लखीमपुर घटना में मारे गए किसान लक्ष्मीप्रीत के परिवार चौकाकुल परिवार के पास पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। अखिलेश यादव परिवार से मुलाकात करके वापस लौट रहे हैं और देख सकते हैं कि वो यहाँ पर जो उनके कार्यकर्ता हैं वो भी जो यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन अखिलेश यादव यहाँ पर पहुँचे थे तो करीबन जो 15 से 20 मिनट तक शोकाकुल परिवार के लोगों से बातचीत की है और शोकाकुल परिवार की बात करें तो उनका यही कहना है कि उनको अपने परिवार उनको अपने पिता के लिए उनको अपने जो करीबी हैं उनके लिए न्याय चाहिए, निष्पक्ष न्याय की मांग कर रहा है शोकाकुल परिवार। हालांकि सरकार की तरफ से एक इंक्वायरी का गठन कर दिया गया है जो अपनी रिपोर्ट देगी, मामला दर्ज हो गया है अजय मिश्रा और उनके बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ। लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव अब यहां पर पहुंचे हैं तो उनके कार्यकर्ता भी यहां पर जुटे हुए थे और देख सकते हैं कि किस तरीके से तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। इस सबके बीच में जो शोकाकुल परिवार है उसने अखिलेश यादव के सामने भी अपनी मांगें रखी हैं। कल देर रात हमने देखा था कि प्रियंका गांधी वाड्रा भी यहाँ पर पहुंची हुई थी तो अखिलेश यादव अपने समर्थकों से भी जुड़े घिरे हुए हैं। लेकिन ये जो जगह है ये है नक्षत्र जो किसान हैं जिनकी मौत हुई थी लखीमपुर घटना में उनके जो है उनके परिवार तक पहुंचे हैं अखिलेश यादव यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हम बात करने की भी कोशिश करेंगे कि परिवार ने आखिर क्या कुछ कहा है और फिलहाल अखिलेश जी तो अखिलेश यादव जो है यहाँ पर पहुंचे हुए। अखिलेश जी दो मिनट, अखिलेश जी ये बताइए परिवार वालों से क्या बात हुई है? परिवार के लोग न्याय चाहते हैं, परिवार के लोग न्याय चाहते हैं और सरकार जब ये कह रही है कि दमदार सरकार है तो दमदार सरकार क्या ताकतवर लोगों के लिए है? क्या गरीब के लिए दमदार सरकार नहीं है? आयोग बनाया है राज्य सरकार ने, एक जज अगर जांच करेंगे और मॉनिटर करेंगे जांच तो न्याय मिलेगा। अजय मिश्रा आशीष मिश्रा कह रहे हैं कि हमारा कोई रोल नहीं है न्यायिक जांच में, दूध का दूध पानी का पानी होगा। तमाम वीडियो वायरल हैं, तमाम जगह लोग जो मौके पे थे वो नाम उनके ही बेटे का ले रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन गाड़ियों में बैठे थे। लेकिन क्या परिवार ने जो मुआवजे को लेकर के कोई बात कही है या फिर जो है जांच को लेकर के क्या? परिवार ये कहता है कि हमें मुआवजे से ज्यादा न्याय की जरूरत है। मुआवजा समाजवादी पार्टी ने मांग की थी कि 2 करोड़ की मदद हो, जब सरकार अपना कह रही कि हमारी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी यूपी की तो 2 करोड़ की मदद के लिए क्या सरकार पीछे हाथ कर रही है? चलो सर अब तक अखिलेश जी अब तक जो जांच हुई है उससे क्या परिवार संतुष्ट है? अभी इस पे बात नहीं हुई परिवार से। अध्यक्ष अखिलेश यादव का यही कहना, देखिए उनके जो कार्यकर्ता है जुटे हुए उनसे यहाँ पर जो है उनका अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन ये है शोकाकुल परिवार से मुलाकात के बाद का अखिलेश यादव ने मुलाकात की, उनका यही कहना है कि शोकाकुल परिवार यही चाहता है कि निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को सजा मिले और मुआवजा उनके लिए ज्यादा मायने नहीं रखता। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज लखीमपुर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।